हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डार्क अंडरआर्म्स को लाइटन करने का एक मैजिकल रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको किसी तरह के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे सामान आपके किचन में ही मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अनचाहे बालों को दूर करने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंडरआर्म्स का जो स्किन है वो डार्क हो जाता है और वो देखने में बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपके डार्क अंडरआर्म्स को एक बार में ही काफ़ी हद तक लाइटन कर देगी। तो इसके लिए आपको दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहले के लिए आपको लेना है क्लीन बाउल और उसमें आपको डालना है गर्म पानी। इस तरह से क्लीन बाउल में आपको गर्म पानी लेना है। उसके बाद आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसको इस तरह से गर्म पानी में डिप कर लीजिए और अपने अंडरआर्म्स वाले एरिया को आपको इससे क्लीन करना है। इससे क्या होगा कि वहाँ पे ये अंडरआर्म्स में जो भी मैल है उसको क्लीन करेगा और वहाँ की जो स्किन है उसके पोर्स को ये ओपन कर देगा। तो इस तरह से आप एक से दो मिनट तक इसको इस तरह से क्लीन कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे एक मैजिकल वाइटनर पैक। तो इसके लिए आप एक क्लीन बाउल में सबसे पहले लीजिए रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है एक चम्मच बेकिंग सोडा और लास्ट में आपको इसमें आधा नींबू का रस इस तरह से डाल लेना है। अब आप इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। फ्रेंड्स, ये एक मैजिकल वाइटनर पैक है जो आपके स्किन को ब्लीच करेगा और आपके स्किन में जो भी डार्कनेस है इसको बहुत तेज़ी से दूर कर देगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स होने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से लेना है और अपने डार्क अंडरआर्म्स वाले एरिया पे आपको इसको अप्लाई करना है और कम से कम आपको 5 मिनट तक मसाज जरूर करना है, ताकि जो भी इन्ग्रीडियंट्स हमने यूज़ किया है वो अच्छे से हमारे स्किन के अंदर चले जाए। हमने इसमें रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। कच्चा दूध हमारे स्किन को अंदर से ब्लीच करता है, हमारे स्किन की जो गंदगी है उसको अंदर से सफाई करता है और हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये फेयर बनाता है। बेकिंग सोडा हमारे स्किन के डार्कनेस को बहुत तेज़ी से दूर कर देता है। फ्रेंड्स, हमने इसमें नींबू का भी इस्तेमाल किया है। नींबू का रस हमारे स्किन को ब्लीच करने के साथ हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। इस तरह से 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसे 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद इसको वॉश करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी क्लियर लग रही है, कितनी साफ़ लग रही है, मेरा स्किन कितना ब्राइट लग रहा है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो फ्रेंड्स, और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे वीक में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।